और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। सीधी से यह खबर है, आचार संहिता का उल्लंघन की खबर सामने आई है। यहां जमोड़ी गांव के उपसरपंच के घर से मतदाताओं को बांटने के लिए लाई गई घड़ियों को जब्त किया गया है। मौके पर पहुंची जमोड़ी पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। सीधी विधानसभा से प्रत्याशी सांसद रीति पाठक है और यहां पर ये घड़ियां जो बरामद की गई हैं, इनको लेकर कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता के उल्लंघन का ये मामला, हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। हरीश, ये कुछ पता चल पाया किसके द्वारा लाया गया था, कौन इसको वितरित करने वाला था? हरीश, आवाज मिल पा रही है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं, घड़ियों का मामला क्या है आखिर? बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सीधी मामला सामने आया है, ऐसे में सांसद की घड़ियां यहां निकलकर सामने आई हैं और एक बड़े पैमाने पर यह घड़ियां जो है तो एक भाजपा नेता के यहां मिली थी और उनके बाद जो इसे एक कमरे में भंडारण किया गया है उसमें एक निजी कॉलेज शामिल है। उस कॉलेज के चार कमरों को प्रशासन ने आधी रात को सील कर दिया है और वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि जो अब तक बरामद हुआ है उसमें से कंबल भारी संख्या में बरामद हुआ है और इसके साथ ही घड़ी बरामद हुई है। घड़ी जो बरामद हुई है उन घड़ियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और के साथ सीधी सांसद रीति पाठक की भी फोटो लगी हुई है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति लगाई है जिसके बाद से प्रशासन ने कार्यवाही की है। हालांकि कांग्रेस नेताओं की जो आपत्ति थी वो यह थी कि इसमें कोई शिकायत दी गई थी या स्वतः संज्ञान ये लिया गया है? तो कांग्रेसियों ने शिकायत की है, शिकायत के बाद ही इसमें प्रशासन ने कार्यवाही की है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन यह कार्यवाही करने में हीला हवाली करता रहा है इससे यह स्पष्ट हो रहा था कि प्रशासन इसमें पूरी तरीके से कार्यवाही करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो घड़ी और कम्बल जो कमरे में रखे गए हैं जहाँ इसका भंडारण किया गया है वह एक निजी कॉलेज है और वहाँ देर रात छापा पड़ा, तमाम सामग्रियां भी दिखी लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से प्रशासन उसको जब्त नहीं कर सका है और दरवाजे में चपड़े की कार्यवाही करके वहां एक सुरक्षाकर्मी को तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ ही वहां जो कांग्रेसी जो नेता है जो शिकायत किए थे जिनके शिकायत पे कार्यवाही हुई है, जो प्रशासन निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पाया है जिस लिहाज से कांग्रेसी